नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि की करेंगे पूजा अर्चना। 11 बजे भरत कुंड पर जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। बीजेपी युवा मोर्चा की साइकिल रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बड़ा अपडेट बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर थे अयोध्या में, और इसी के चलते आज दौरे का दूसरा दिन हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के दर्शन पूजन करेंगे। 11 बजे भरत कुंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। बीजेपी युवा मोर्चा की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। आज दोपहर को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं चक्रवाती तूफान विपरजॉय अरब सागर से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है। इसके 15 जून को गुजरात के तट से टकराने का अनुमान है, यानी कि आज ये गुजरात के तट से टकराएगा, जिसको लेकर राहत बचाव एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवाती तूफान विपरजॉय जैसे जैसे गुजरात के तटीय क्षेत्र के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे ही इसका असर गंभीर होता जा रहा है। विपरजॉय तूफान इस समय उत्तर पूर्व और अरब सागर में जखाऊ पोर्ट से 280 किलोमीटर दूर है। तूफान की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि तूफान विपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो 150 किलोमीटर भी हो सकती है। कच्छ में तूफान की रफ्तार सबसे ज्यादा रह सकती है। वहीं मुंबई में भी तेज हवाएं और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मछुआरों को 15 तारीख तक अरब सागर से दूर रहने को कहा गया है। तो वहीं राहत और बचाव एजेंसियों ने तटीय इलाकों को खाली करा दिया है। चक्रवाती तूफान विपरजॉय को देखते हुए 59 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोर्ट में जीवा हत्याकांड मामले से जुड़ा मामला, शूटर विजय यादव की कस्टडी रिमांड मंजूर। शूटर विजय की 3 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी गई है। कोर्ट ने शूटर विजय को रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की कस्टडी रिमांड को मंजूर कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी को मंजूर किया। आज सुबह 10 बजे से 17 जून की शाम 5 बजे तक रिमांड जारी रहेगी। बड़ा अपडेट संजीव जीवा की हत्याकांड मामले को लेकर, हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर, शूटर विजय यादव की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। शूटर विजय के 3 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई। कोर्ट ने शूटर विजय को रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी को मंजूर किया और अब आज सुबह 10 बजे से 17 जून की शाम 5 बजे तक रिमांड जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस दिन उन्होंने योग दिवस को लेकर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने योग दिवस का विरोध करते हुए कहा कि मदरसों में योग दिवस नहीं बल्कि तालीम दिवस मनाना चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने एसपी सांसद पर पलटवार किया। उन्होंने एसपी सांसद पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है। मुसलमानों को लैपटॉप देने की बात करती है तो एसपी सांसद के पेट में दर्द होने लगता है। भारतीय जनता पार्टी जब मदरसों के अंदर योग की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब लैपटॉप देने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है, वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं कि वोट बैंक का दर्द है। योग रखे निरोग और तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, ये सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है न पार्टी का, योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शफीकुर रहमान बर्क को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं। ये हिस्सा है नहीं, मदरसों में तालीम के लिए मनाइए,
मदरसों में तालीम दिवस बनाई है कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। तो योग दिवस को कैसा मानते हैं मतलब? अभी योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज तो नहीं। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता, अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे सब पहलवान कसरत करने जाते थे तो पहले ना था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उत्तरकाशी मामले में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई पर रोक, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का उत्तरकाशी मामले में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई पर रोक लगा दी गई, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि राज्य सरकार पर भरोसा होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सरन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज बताते हुए इसे सोची समझी साजिश बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की साजिश का शिकार है। तो वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में 2 से 3 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करेगी। एक नाबालिग लड़की समेत 6 पहलवानों ने बृजभूषण सरन सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT का गठन किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच और सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों का दौरा कर चुकी है और दर्जनों लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। और ऐसे ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज न करने पर भारी बवाल, पुलिस से परिजनों की नोकझोंक देखने को मिली। मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस से नोकझोंक हो गई। संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई थी। मुकदमा न लिखने पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। 3 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। धरना दे रहे मृतक के परिजनों पर क्राइम इंस्पेक्टर ने बरसाई लाठियां। थाना क्षेत्र के झाबरपुरवा गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक की मौत होने के बाद परिजन लगातार मामला दर्ज कराने की कवायद में जुटे हुए थे। इसे लेकर 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इसे लेकर आक्रोशित परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस से परिजनों की नोकझोंक भी हुई। मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस से नोकझोंक। तस्वीरें औरैया के जहां संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई थी। मुकदमा न लिखने पर बवाल हुआ। 3 दिन बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। धरना दे रहे मृतक के परिजनों पर क्राइम इंस्पेक्टर ने लाठियां बरसाई। थाना क्षेत्र के झाबरपुरवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया हत्या का मुकदमा दर्ज न करने पर भारी बवाल, पुलिस से परिजनों की नोकझोंक हो गई। बता दें कि मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस से नोकझोंक हुई। संदिग्ध हालत में युवक की मौत हुई थी। मुकदमा न लिखने पर जमकर परिजनों ने बवाल काटा। 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। धरना दे रहे मृतकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो वहीं केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के क्रम में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने CPI महासचिव DRaja से मुलाकात की। उन्होंने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि अध्यादेश के जरिए करीब पूरी सरकार को खत्म कर दिया गया है। सचिव मंत्री का बॉस बना दिया गया है। सचिव को, मुख्य सचिव को कैबिनेट के फैसले को कानूनी या गैर कानूनी बताने का अधिकार दे दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है, अगर इससे नहीं रोका गया तो सभी गैर BJP शासित राज्यों में ऐसा ही अध्यादेश लाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करने के आरोप में गिरफ्तार शहनवाज उर्फ बद्दू पर योगी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। जांच में गाजियाबाद पुलिस को शहनवाज उर्फ बद्दू का पाकिस्तानी कनेक्शन का सबूत मिला है, जिसके बाद उसके खिलाफ NSA लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शहनवाज ने 30 पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत की।
इसके साथ उसके पास दो मेल आईडी मिली है जिनमें से एक पाकिस्तान की है। पुलिस को बद्दो की पीओके में बैठे एक शख्स से चैट भी मिली है। इसके साथ शहनवाज के पास लाहौर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक बच्चा जिम का बहाना बनाकर दिन में 5 बार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग से उसका ब्रेन वॉश किया गया था। इसमें थाने पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के बाद एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जिसमें कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई थी, एवं दूसरे नामजद अभियुक्त बद्दो और शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु थाने एक टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें थाने पुलिस की सहायता से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, साथ ही साथ इनको कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से 1 ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रीडियंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिहादियों के खिलाफ देवभूमि में हिंदू हुंकार। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 जून को उत्तरकाशी में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसके बाद शासन और प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों सांप्रदायिकता का शोर है। इस मुद्दे पर करीब 20 दिनों से उत्तराखंड में टेंशन है। ये विवाद हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद उपजा है। हिंदूवादी संगठन उग्र हो गए, जिसके बाद पुरोला में मुसलमानों ने दुकानें बंद कर दी। इस बीच दोनों तरफ से इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश हो रही है। हिंदूवादी संगठन ने इस मुद्दे पर 15 जून को महापंचायत बुलाई है, तो वही मुस्लिम समुदाय भी 18 जून को जवाबी महापंचायत करने की तैयारी कर रहा है। हिंदू जहां लफ्ज जिहाद का आरोप लगाकर महापंचायत की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों का आरोप है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो वहीं इस विवाद से उपजे तनाव पर पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को खुला खत लिखा है और राज्य में पैदा हुई स्थिति पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। खत में आशंका जताई गई है कि महापंचायत के जरिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। तो वही 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत के खिलाफ दायर को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जजों के रुख को देखते हुए वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद जजों ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। 15 जून के प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ सभी पक्षों को ऐसे बयान पर किसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिससे समाज में तनाव पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वही 3 मई से शुरू हुई मणिपुर की हिंसा अभी तक जारी है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि हिंसा खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा थम नहीं रही। इसलिए सवाल यह है कि आखिर जलते हुए मणिपुर का जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल की। वहां आसमान से उठता हुआ ये धुआं, मकान दुकान में लगी ये आग और आग से निकलती हुई लपटे चीर गई है हमारी चेतना को, अभिमान को, गुमान को। चेतना की हम जानते हैं, मकान दुकान के मोल को जानते हैं, जीवन के अनमोल होने को। अभिमान इस बात का कि हम उस भारत देश के वासी हैं जहाँ है संविधान, कानून, अदालतें,
जिससे सुलझाए जाते हैं झगड़े, मनमुटाव और गुमान इस बात का कि हम उस गांधी के देश के वासी हैं जिसने दुनिया को सिखाया अहिंसा से, प्यार से साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाना और हम जानते हैं बातचीत से समस्याओं का हल निकाल लेना। 13 जून की रात को फिर से हिंसा हुई, 9 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, 9,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। 3 मई को शुरू हुई हिंसा का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे कुछ रोज पहले मणिपुर, बात की थी लोगों से, अधिकारियों से, और दिया था भरोसा कि हिंसा का दौर खत्म होगा, शांति अमन होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। सवाल क्यों? अब इस हिंसा की वजह को भी समझ लीजिए। मतई समुदाय लंबे समय से खुद को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, दलील दी गई कि 1949 को मणिपुर को भारत में विलय किया गया, उससे पहले मतई जनजाति में आता था। अब ऐसे में कुकी समुदाय का कहना है मतई के पास पहले से ही SC OBC का आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर होने पर आरक्षण का दर्जा है। अब ऐसे में सभी चीजों का अधिकार सिर्फ क्यों मतई को दिया जाए? अब सरकार की तरफ से आई दलीलों को भी सुन लीजिएगा। सरकार का कहना है कि यह हिंसा CM बीरेन सिंह को पद से हटाने के लिए हो रही है, क्योंकि बीरेन सिंह ने प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया। नफरत की आग अच्छी लगती है क्या? बताइए, हिंसा फैलाने वाले लोग किसको सुकून देती हैं ये सुलगती हुई गलियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के दुर्व्यवहार से नाराज लामबंद हुए निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने सिविक सेंटर पर प्रदर्शन कर कहा कि हम नौकरी करने आते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें भ्रष्ट बताया जा रहा है और असल में कौन भ्रष्ट है सबको पता है। निगम के कर्मचारियों ने आपको भ्रष्ट सरकार बताया। दिल्ली में निगम कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के दुर्व्यवहार से नाराज निगम के अधिकारी, निगम के कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट सरकार बताया और ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां निगम नगर निगम के अधिकारियों ने जमकर आम आदमी पार्टी के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दुर्व्यवहार से उन्हें नाराजगी है और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट सरकार बताया। तो वही राजस्थान देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में दौसा, झुंझुनू और कोटा बूंदी के नागरिकों को रामेश्वरम के लिए रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम राज्य के सभी नागरिकों को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान की यात्रा करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को नेपाल, कैलाश, मानसरोवर की यात्राएं हवाई जहाज से करवाई हैं और आगे भी इसी तरह की यात्राएं करवाई जाएंगी। यात्रा में 1,000 वरिष्ठ नागरिकों को 8 दिवसीय रामेश्वरम की यात्रा में जा रहे सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जितने आवेदन आ रखे उनमें से ज़्यादा अपना करवाने का प्रयास रहेगा और इस बार 40,000 यात्री जाएंगे। तो 40,000 यात्री आज से हम रामेश्वरम और मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे। तो हमारे इसमें यात्री हैं झुंझुनू के हैं, दौसा के हैं और बूंदी के हैं। तो ये शुरुआत करेंगे, फिर पूरे राजस्थान के ही यात्री उसमें जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक। ऐसा नहीं समझे कि आज ये शुरुआत है, बाकी ट्रेनें हमारी चलती रहेंगी, रेगुलर आना जाना बना रहेगा। और हमारी सोच ये है कि सारे जो बुजुर्ग आदमी है अपने, जो अभी किसी की इच्छा थी साहब अयोध्या भी उसमें ऐड करो, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अयोध्या भी कर दिया। समेत शिखर है उसमें, बेणेश्वर धाम है, गंगा सागर है, रामेश्वरम है, तिरुपति है, वैष्णो माता है, तो ये सारे उसमें ऐड कर दिए। और ये वरिष्ठ नागरिक देखेंगे आप कितने जोश में। ये सरकार की जो देवस्थान विभाग द्वारा जो निःशुल्क योजना है, इसके तहत ये सरकार के द्वारा आज यहाँ दुर्गापुरा स्टेशन पे बुलाया गया है। और इसके द्वारा क्या है कि जो गरीब आदमी है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकता है, सीनियर सिटीजन है, वो तो यात्रा पे अगर सरकार अपनी तरफ से कराती है तो बहुत बढ़िया पुण्य का काम कर रही है। ये इसके लिए श्री गहलोत जी और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ की स्कीम्स बहुत बढ़िया है, यहाँ खाना पीना ठहरने सबकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है और आगे ट्रेन में भी बढ़िया व्यवस्था।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा पहुंचे मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करती है। अखिलेश यादव के नारे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो अच्छी हटाओ की बात कह रहे हैं, सभी विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि कोई भी विपक्षी हमारी सरकार की तारीफ नहीं करेगा, उन्हें कोई चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा कैसे मिलेगा। तो वहीं लव जिहाद के मामले अब उत्तराखंड में भी बढ़ने लगे हैं। वहीं इसी बीच देहरादून के काबली रोड पर एक नाबालिग लड़की माही ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। और अगर बात वजह की करें तो माही ने ये आत्महत्या प्रेम प्रसंग के चलते की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां लड़की ने आत्महत्या की है वहां पर उसने दीवार पर सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने लिखा था कि भाग गई मैं तुम्हारी जिंदगी से, अब तुम खुश रहना। तो वहीं बता दें कि लड़की के प्रेमी का नाम शादाब कुरैशी सामने आ रहा है, जो कि देहरादून की निरंजनपुर मंडी में काम करता है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।